तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमने अभी अभी एक लोन ऐप से लोन अप्लाई करा है और हमने यहाँ पे 2,000 रुपये का लोन रिक्वेस्ट डाला हुआ था और सक्सेसफुली हमारा 2,000 रुपये का जो लोन है वो यहाँ पे अप्रूव्ड हो चुका है। और यहाँ पे आप प्रूफ के तौर पर देख सकते हैं दोस्तों हमारा लोन अप्रूव्ड का मैसेज भी आ चुका है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कंग्रेचुलेशन का मैसेज मिल चुका है और यहाँ पे बताया गया ये लोन एप्लीकेशन हैज बीन अप्रूव्ड बाय लोन ऐप एंड अमाउंट 2,000 रुपीज यहाँ पे आप देख सकते हैं और सक्सेसफुली अमाउंट बैंक में डिसबर्समेंट हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बैंक में जो मैसेज आया है वो भी मैं आपको प्रूफ के तौर पर दिखा रहा हूँ। तो ऐसे ही दोस्तों अगर आपको भी पैसों की इमरजेंसी और आप भी तुरंत अपने मोबाइल फोन से एक छोटा अमाउंट का लोन पाना चाहते हैं वो भी बिना किसी इनकम प्रूफ के ओनली आधार एंड पैन कार्ड के बेसिस पर, तो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा ये कौन सा लोन है, कैसे आपको इसमें लोन अप्लाई करना है और साथ उस पैसे को आपको अपने बैंक में कैसे ट्रांसफर करना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बिल्कुल लाइव प्रोसेस दिखाने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस लोन ऐप को आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। इस लोन ऐप का डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप उस लिंक पे क्लिक करके इस लोन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप इस लोन ऐप को डाउनलोड करके ओपन करेंगे सबसे पहले आपको इस लोन ऐप को अपने फोन का कुछ परमिशन अलाउ करना होगा, तो आप चाहे तो इसको रीड कर सकते हैं। देन आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे वेरीफाई करना होता है साइन इन करने के लिए। तो सिंपली आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करके नीचे गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे और मोबाइल नंबर डाल के गेट ओटीपी पे जैसे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ओटीपी रिसीव हो गया है 4 डिजिट का, उस ओटीपी को आपको एंटर करना है। तो नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों मोबाइल ओटीपी जैसे आपका वेरीफाई हो जाएगा आपको सिंपल यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स अपना फिलअप करना होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम एंटर करेंगे एज पर पैन कार्ड के हिसाब से, इसके बाद आपको अपना लास्ट नेम एंटर करना है, इसके बाद आप अपना पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे डालेंगे, इसके बाद जो भी डेट ऑफ बर्थ आपके पैन कार्ड में सेम डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डाल देना है, इसके बाद आप अपना जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे आप मेल हो या फीमेल हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपने एरिया का पिन कोड एंटर करना है, जो भी आपका एरिया का पोस्टल पिन कोड है वो आप यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद आपको एड्रेस लाइन 1 में आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो सेम एड्रेस आप यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे कंसेंट को एक्सेप्ट करना होगा, तो आपको यस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद सिंपली आपको नीचे गेट लिमिट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों आप गेट लिमिट पे क्लिक करते हैं आपके सामने कंग्रेचुलेशन का मैसेज शो हो जाएगा और यहाँ पे आपका एलिजिबल मैक्सिमम लिमिट शो हो जाएगा कि आपको यहाँ से कितने अमाउंट का लोन मिल सकता है। तो जैसा कि यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जिनका लोन अभी अप्लाई कर रहे हैं उनको यहाँ पे 10,000 रुपये का मैक्सिमम लिमिट अप्रूव किया गया है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे जो आपको मैक्सिमम लिमिट अप्रूव किया जाता है कि ये नहीं है कि वो टोटल अमाउंट आपको लेना होगा। आप आगे चल के जब अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं इसके बाद जब आप लोन अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो उस टाइम आपको अमाउंट सेटअप करने का ऑप्शन मिलेगा। आप 1,000 रुपये 2,000 रुपये 5,000 रुपये जितने भी अमाउंट का लोन लेना चाहते हो उस अमाउंट को आप अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो होगा आपको सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे दोबारा अपना पैन डिटेल्स को वेरीफाई करना होगा, तो सिंपली आप अपना पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे फिर से एंटर करेंगे, इसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर देना है जो डेट ऑफ बर्थ आपके पैन कार्ड में, इसके बाद आपको सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों पैन डिटेल्स वेरीफाई कर लेने के बाद अब आपको अपना आधार डिटेल्स वेरीफाई करना होगा, आधार ओटीपी के जरिए आपको अपना केवाईसी कंप्लीट करना है। तो सिंपल इसके लिए नीचे आप अपना आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, इसके बाद आपको गेट ओटीपी पे क्लिक करना होगा, आपके आधार कार्ड साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को फिलअप करके आप अपने आधार केवाईसी को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम अपना आधार केवाईसी कंप्लीट करके आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आधार केवाईसी को कंप्लीट कर लेने के बाद अब यहां पे आपको अपना एक सेल्फी अपलोड करना होगा, लाइव सेल्फी आपको कैप्चर करके अपलोड करना है, तो इसके लिए आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, आपका फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा, सिंपली आप अपने फेस सेल्फी को कैप्चर करके अपलोड कर देंगे। हाँ दोस्तों जैसे आप अपने सेल्फी को अपलोड कर देते हैं आपका केवाईसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और आप आ जाएंगे होम स्क्रीन पर। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आपका जो अवेलेबल लिमिट होगा जो मैक्सिमम एलिजिबल लिमिट होगा वो आपके डैशबोर्ड पे शो होगा, जस्ट आपको सिंपली दोबारा अपलाइन ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप अपलाइन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे अपना बैंक डिटेल सबमिट करना है, जिस बैंक अकाउंट में आप अपने लोन के पैसे को लेना चाहते हैं। तो बैंक डिटेल्स में आपको सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है, बैंक अकाउंट नंबर को आपको दोबारा एंटर करना है, इसके बाद आपको नीचे अपना बैंक का IFSC कोड एंटर करना है, देन नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों बैंक डाल के जैसे आप कंटिन्यू करेंगे सक्सेसफुली आपका बैंक डिटेल्स यहां पे वेरीफाइड हो जाएगा, आपको कंग्रेचुलेशन का मैसेज मिल जाएगा और यहां पे बताया कि योर बैंक डिटेल्स आर वेरीफाइड। सिंपली दोस्तों बैंक डिटेल्स को वेरीफाइड कर लेने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है प्रोसीड टू टेक लोन, तो आपको सिंपली प्रोसीड टू टेक लोन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप प्रोसीड टू टेक लोन पे क्लिक करते हैं अब आपको यहाँ पे लोन डिटेल्स देना होगा, लोन अमाउंट आपको डाल देना है, कितना अमाउंट आप अपने बैंक में लेना चाहते हैं, तो जितने भी अमाउंट आपको लेना है 1,000 रुपये 2,000 रुपये 5,000 रुपये या फिर आपको जितना लिमिट अप्रूव किया गया है वो टोटल लिमिट अगर आपको लेना है तो टोटल अमाउंट आप डालेंगे या फिर उसमें से आपको जितना भी अमाउंट लेना है वो आप एंटर कर देंगे 1,000 रुपये 2,000 रुपये 5,000 रुपये। इसके बाद आपको रीपेमेंट डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, इसके बाद आपको यहाँ पे लोन पर्पस अपना सिलेक्ट करना होगा, तो आप यहाँ पे लोन रीजन में आपको यहाँ पे कोई भी एक रीजन सिलेक्ट करना है, देन आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है।
अब अपलाइन ऑफ पे जैसे क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस लोन का की फैक्ट स्टेटमेंट आ जाएगा। इसको आपको अच्छे से रीड करना है। यहाँ पे आपका लोन का कंप्लीट डिटेल्स दिया हुआ रहेगा, कितना अमाउंट का आप लोन ले रहे हैं, कितने टाइम के लिए ले रहे हैं, और साथ ही आपका लोन का इंटरेस्ट रेट चार्जेस सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो सिंपल इसको आपको एक्सेप्ट करना है। तो आप इसको रीड करके नीचे जो भी यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन का चेकबॉक्स दिख रहा है इस पर आपको टिक मार्क लगाना है, देन कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब की फैक्ट स्टेटमेंट को रीड करके आप जैसे ही कंटिन्यू करेंगे अब आपको यहाँ पे लोन एग्रीमेंट को ही साइन करना होगा अपने ओटीपी के जरिए। तो आपको साइन हुई तो ओटीपी पे क्लिक करना है, आपको एक ओटीपी रिसीव होगी, ओटीपी को डालकर वेरीफाई कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे साइन का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। अब जैसे आप इस साइन का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं सक्सेस का आपके सामने मैसेज आ जाएगा और यहाँ पे आपका लोन एग्रीमेंट सक्सेसफुल यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, 4 से 5 सेकंड आपको वेट करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो ई साइन है वो यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। अब ई साइन कंप्लीट कर लेने के बाद अब यहाँ पे हमें ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। तो ये ई मैंडेट क्या होता है कि जो भी आप इस ऐप से लोन ले रहे हैं उस लोन की जो मंथली ईएमआई होगी वो आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक कटेगा। इसके लिए आपको अपने बैंक अकाउंट में ई मैंडेट करना होता है। तो सिंपल ई मैंडेट कंप्लीट करने के लिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे, देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आपको अपने एटीएम कार्ड के जरिए या फिर अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग लॉगिन करके आप अपने बैंक डिटेल्स को वेरीफाई करके ई मैंडेट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे ई मैंडेट का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। अब जैसे दोस्तों आप ईमेंट का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं सक्सेसफुली कुछ ही टाइम के अंदर लोन अमाउंट सक्सेसफुली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस लोन ऐप का नाम है पे मी पर्सनल लोन ऐप। दोस्तों इस लोन ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर में आके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप इस लोन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में हमने और एक नया लोन ऐप का लिंक दिया है। अगर आपको इस लोन एप्लीकेशन से लोन नहीं मिलता है तो आप उस लोन ऐप से जरूर एक बार लोन ट्राई करें, क्योंकि उस लोन ऐप से दोस्तों ज्यादातर अक्सर लोगों को लोन मिल ही जाता है। वहां से भी आप बिना किसी पेपर वर्क करके ओनली पैन एंड आधार कार्ड से लोन ले सकते हैं। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप लिंक पे क्लिक करके लोन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।